गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आज जो है सुबह से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग, और मैं आई हूँ एकदम ऊपर। बहुत ठंडू ठंडू सी हवा लग रही है, और मैं आई थी एक्चुअली में थोड़े से मीठी नीम के पत्ते और थोड़ी सी तुलसी लेने के लिए, लेकिन याद आया कि आज वेडनेसडे है, सो तुलसी मैया को तो नहीं छुआ जाएगा, लेकिन हाँ मैं मीठी नीम के पत्ते ज़रूर लूँगी। और मुझे लगा था कि ऊपर अच्छी खासी रोशनी हो गई होगी, लेकिन रोशनी नहीं हुई है। और ये हमारे फूल आ गए हैं ताज़े ताज़े टूटकर। अब इनको जो है मालाएं बनाई जाएंगी भगवान जी के लिए, और बहुत अच्छा लगता है ऐसे फ्रेश फ्रेश ताज़े ताज़े फूल आपको मिल जाएं। बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाएगी तब तो हम इन फूलों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, सभी सूख जाएंगे। साथ ही मेरी जो है मेरे यहाँ पे ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है। उत्कर्ष की तो आज छुट्टी है, लेकिन उसके पापा को जाना है, तो फटाफट ब्रेकफास्ट और साथ में लंच बॉक्स में तैयार कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में ये मल्टीग्रेन चीला बना दिया है, और लंच के लिए मैं बना रही हूँ सब्जी और पराठे। सिंपल सा आटा है, इसमें मैंने नमक वगैरह नहीं डाला है। कहते हैं बुधवार के दिन नमक नहीं डालना चाहिए आटे में। और एक पहली रोटी मैं गाय की निकाल दूँ, उसके बाद फटाफट जो है खरे खरे पराठे, इसके पापा को पसंद है, तो मैं बहुत ही खरे खरे बनाने की कोशिश करती हूँ। और मुझे लगता है वहाँ जाके तो सब ऐसे ही हो जाते होंगे सब जो है सारा खरापन निकल जाता होगा। खरे पराठे गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। खैर मैं टिफ़िन में रख देती हूँ, क्योंकि उत्कर्ष को भी खरे पराठे पसंद है, उसके पापा को भी वही पसंद है। और ये लंच बॉक्स में लगा दे रही हूँ। सब्ज़ी मैं जो है कोशिश करती हूँ कि हर सब्ज़ी में मैं आजकल गाजर डाल देती हूँ, क्योंकि ये लोग ऐसे तो सलाद वलाद खाते नहीं हैं, तो मैं ना सारी मिक्स सब्ज़ी में थोड़ी सी गाजर ज़रूर डाल दूँगी। टमाटर डाल देती हूँ तो बहुत ज़्यादा अजीब जो मीठा मीठापन होता है ना वो नहीं लगता। और पाव भाजी मसाला मैं ज़रूर डाल देती हूँ, तो थोड़ा चटपटापन आ जाता है। सो ये मेरी सब्ज़ी बन गई है इसके पापा के लिए, और बस लंच बॉक्स रेडी कर दे रही हूँ। साथ में थोड़ी सी ग्रॉसरी खाली हो गई है, तो सोचती हूँ उसे भी रिफिल कर दूँ। सारी जो दालें हैं कभी कभी मिक्स करके मैं बनाती हूँ, पंचमेल दाल और ये सब, तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही मंगाती हूँ मार्केट से। डेढ़ डेढ़ दो दो किलो नहीं मंगाती हूँ, क्योंकि हम लोग रेगुलर सिर्फ तीन तरह की दाल ही खाते हैं, अरहर की दाल और दोनों मूंग की दाल, छिलके वाली और बिना छिलके वाली, बस वही ज़्यादा खाई जाती है। चने की दाल, मसूर की दाल, कभी कभार 15 दिन में एक आध बार छोला और राजमा ये सब बन जाता है, और मखाने रेगुलर यूज़ होते हैं, तो मखाने बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होते हैं, रिफिल करना पड़ते हैं बार बार। उत्कर्ष भी अपने हाथ से लेके नमक डाल के खा लेते हैं, तो ये सभी डब्बों को मैंने रिफिल कर दिया है। और ये सारा सब कुछ एकदम चुना हुआ आता है, मुझे इसे बीनने चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इसे धो सोख करो और बना लो। इतनी अच्छी फ्रेश दाल होती है ये सब। और यहाँ पे गाडरवारा की दाल बहुत मशहूर है, तो ये अरहर की दाल गाडरवारा से मंगाई गई है। सो ये वर्क कम्प्लीट हो गया। अब नहाने से पहले थोड़ा सा क्लीनिंग का टाइम आ जाता है, तो मैं प्लांट्स को ना शेड के नीचे ला रही हूँ। तेज धूप होने लगी है, तो यहाँ पे मैंने एरिया बनाया हुआ है, थोड़े थोड़े करके दो दो चार मैं यहाँ पे प्लांट्स ले आऊँगी। और ये मैंने एरिका प्लांट न्यू मंगाया है, मेरा ख़राब हो गया था, और यहाँ पे भी ग्रीन जाली लगी हुई है ताकि प्लांट्स के ऊपर डायरेक्ट धूप ना पड़े, थोड़ी सी धूप आए, थोड़ा उजेला हो, तो ऐसा कुछ करके मैं अपने बेडरूम के पास प्लान कर रही हूँ। साथ ही थोड़ी सी स्किन केयर कर लेती हूँ, तो अब गर्मी आ गई है तो हेयर केयर और स्किन केयर मेरी कंटिन्यूसली चलती रहेगी हफ्ते भर, ताकि जितना बेनिफिट मिल सके अपनी स्किन को वो मिलता रहे। और अभी मैं लगा रही हूँ पपाया फेस मास्क, जो कि गुड वाइब्स से मैंने परचेज किया था, और इसे मुश्किल से 10 मिनट लगाना होता है, तब तक मेरे कपड़े वगैरह धुल जाएंगे और ये भी अपना ड्राई हो जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट मैं बात ले लूँगी और हो गया मेरा स्किन केयर, ऐसे ही चलेगा। और मैं अगर कुछ नया प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ या चेंज करती हूँ, तो आप लोगों के साथ आने वाले ब्लॉग्स में मैं ज़रूर से शेयर करूँगी। इन सभी का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है, थोड़ी बहुत क्लीनिंग हो जाती है फेस की, और गर्मियों में तो आप जानते ही हो कि किस तरह से पसीना और डर्ट्स वगैरह से थोड़ा बहुत कुछ तो हो ही जाता है, जो लोग घर में रहते हैं उनको भी होता है। तो मैंने ये पपाया फेस मास्क यूज़ किया है। आप लोगों से मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में नहाने धोने के बाद। जितना कंफर्टेबल मैं इस रूम में होती हूँ ना, उतना मुझे कहीं भी सूट नहीं करता है व्लॉग बनाना। कहीं रोशनी की प्रॉब्लम होती है, कहीं किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है, कहीं नॉइज़ आ रही होती है, तो धीरे धीरे अरेंजमेंट कर रही हूँ गर्मी के हिसाब से। थोड़ा सा झूला वगैरह का भी मेकओवर करना है, थोड़ा उसको बहुत अच्छे से क्लीन कर देना है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों ने उसको यूज़ भी नहीं किया है। बस थोड़ी देर जब तक मैं यहाँ काम करती हूँ तब तक उत्कर्ष बैठते हैं, लेकिन एक बार उसे अच्छे से धुलना चाहती हूँ कि एक बार धुल जाए, उसकी डस्ट पूरी इधर उधर हो जाए और वो सूख जाए। फिर मैं कोशिश करूंगी कि रोज़ थोड़ा सा टाइम, जैसे उत्कर्ष को मैं जब पढ़ाती हूँ, रीडिंग लगवाती हूँ, एटलीस्ट वो टाइम हम लोग जो है झूले पे स्पेंड करें, और अच्छा भी लगता है। गर्मी में मैक्सिमम गमले मैंने ला के नीचे अपने आसपास रख लिए हैं, थोड़ी ग्रीनरी हो जाएगी,
हालांकि मच्छर बहुत होते हैं लेकिन फिर भी ऊपर छत पे बहुत तेज हीट होती है और सारे प्लांट्स जो है ना मुरझा जाते हैं, और हर प्लांट्स के दो दो चार चार वैरायटी, तो एक एक मैं ऊपर रखूंगी, एक एक दो दो नीचे ले आऊंगी। 2 महीने की तो बात है, फिर बारिश में फिर ऊपर अरेंज कर दूंगी, क्योंकि बारिश में हर प्लांट जो है बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो यही अरेंजमेंट अभी चल रहा है घर में, और थोड़ा थोड़ा कैप्चर कर पाती हूँ दोस्तों। पूरा पूरा टाइम मोबाइल हाथ में लो, काम नहीं हो पाता है, और मेरे साथ ये नहीं होता है कि मैं जगह जगह लेके स्टैंड और काम कर पाऊँ, नहीं पॉसिबल होता है, इसलिए मुझे बैठ के ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। खैर, तो आज मैंने शुरुआत तो की थी अर्ली मॉर्निंग से, लेकिन वही है ना कि फिर लंच तक मैं ना बहुत हड़बड़ हड़बड़ हो जाती हूँ कि ये भी करना है, कपड़े भी धोना है, वो भी करना है, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, दूध आ रहा है, इतना सारा काम हो जाता है कि कहाँ कहाँ कैमरा लेके जाऊँ। फिर मम्मी पापा जी भी हैं, तो कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी किसी ने कुछ कह दिया, तो उनकी बातें सुनूंगी कि कैमरा लेके घूमती रहूंगी, तो मेरा ना हमेशा मिशन अधूरा रह जाता है। लेकिन फिर भी हमेशा अपने ब्लॉग में कुछ आप लोगों के साथ मतलब काम की चीज़ शेयर करती हूँ, तो अभी फिर से एक छोटी सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि छोटे नवजात शिशु जो होते हैं उनकी हम मालिश करते हैं। मालिश करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, और दिन दूनी रात चौगुनी उनकी जो ग्रोथ होती है वो अपनी आंखों से हम देखते हैं कि जब वो बॉर्न होते हैं तो कितने छोटे से होते हैं, और फिर मालिश करते करते जितनी बार वो अपने हाथ में आते हैं, दिन में चार चार बार उनकी मालिश की जाती है और उनकी ग्रोथ देखी जाती है। तो आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है कि जब छोटे बच्चे होते हैं न्यू बॉर्न, उनके पैरों के तलुए में और हाथ के पंजे में ज़रूर से ऑयल लगा के बकायदे ऐसे ऐसे फिंगर से ऐसे ऐसे राउंड करके मसाज दी जाती है। उनके हाथ हमेशा ऐसे होते हैं, मुट्ठी बनी होती है, लेकिन उसको तेल लगा के हम ऐसे खोलते हैं, और यहाँ पे ऐसे से खोलते खोलते नीचे से ऊपर ऐसे गोल में थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए हम हमेशा उनकी मसाज करते हैं। ये केवल नवजात शिशु के लिए नहीं, हर आयु वर्ग के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग अपने हेयर में ऑयल लगाते हैं, जो बचा हुआ ऑयल होता है उसको ऐसे ऐसे करके मसाज कर लेते हैं। मैं तो कर लेती हूँ, पता नहीं बाकी करते हैं कि नहीं। मैं जो है जो भी लगा हुआ तेल होता है उसे अपने हाथों में ऐसे ऐसे करके कर लेती हूँ। हाँ, एक्यूप्रेशर पंचर नहीं करती हूँ, पॉइंट नहीं दबाती हूँ, और ऐसे ऐसे करके प्रेस नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे अभी पता चला है कि ये अगर आप ऐसे करते करते तेल लगाने के बाद उसे ऐसे ऐसे प्रेस करते हैं ना, अपने जितनी भी फिंगर के ये नीचे वाला हिस्सा होता है, तो बहुत बेनिफिट होता है आपकी हेल्थ के लिए। आपका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है सो होता है, लेकिन इन्हीं में हमारे थायराइड, हमारी आँखों से रिलेटेड, हमारे लिवर से रिलेटेड, हमारे हर बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं हमारी हथेलियों में। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे लें, मैं तो आजकल सब्जी बनाती हूँ और सरसों का तेल डालती हूँ, और जो थोड़ा सा एक दो बूंद बाहर आ जाता है उसे ऐसे हाथ में लेती हूँ और कर लेती हूँ। जब से मुझे पता चला है मैं कोई भी चांस मिस नहीं करती हूँ कभी भी, क्योंकि एवरीडे अपने बालों में तेल तो मैं लगाती नहीं हूँ, लेकिन सब्जी मैं दोनों टाइम बनाती हूँ, सरसों का तेल उसमें ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो मैं जो है ये काम मैंने शुरू कर दिया है। उत्कर्ष को मैं लगाती ही लगाती हूँ, उत्कर्ष भी मेरी, मैंने बताया था, मसाज कर देते हैं, और मैं उत्कर्ष को लगाती ही लगाती हूँ। लेकिन हाँ, वो जो पैर में तलुए के लिए मैंने बच्चों के लिए बताया था, माइंड के लिए या याददाश्त के लिए, तो आप अगर हो सके तो उनकी हथेलियों में भी ज़रूर लगाइए, और आप उसका बेनिफिट देखिएगा। आप लोगों को अलग से बोलने की बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं जो मैं करती हूँ, और बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आप लोग करके देखिएगा, अगर आप लोगों को कुछ भी थोड़ा सा अपनी बॉडी में अंतर पता चलता है तो मेरी किसी भी वीडियो में कॉमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो मैं सोच रही हूँ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए यहीं पर एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप में से जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।